फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूस कुकिंग हब। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रमजान स्पेशल चिकन मुगलई। मुगलई चिकन बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसे मैंने धो के साफ कर लिया है और इसका अभी मैरिनेशन करेंगे हम लोग। उसके लिए मैं ले रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर। आप अपने हिसाब से तीखा यूज करते हैं तो कम ज्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, दही मैंने लिया है 100 से 150 ग्राम, तो अभी इसमें मैं आधा डालूंगी, आधा हम लोग इसमें से बचा के रखेंगे ताकि आगे ग्रेवी में डाल सके। और उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, और अभी इन सबको मिलाना है। इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है और नमक भी ऐड करना है स्वाद अनुसार। नमक अभी हम लोग इसमें 1/2 ही डालेंगे, तो मैंने अभी इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला है और इसे अच्छे से मिला के रख देंगे इसे। ये हमारा चिकन अभी मिल गया है और इसे मैं 15 से 30 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम लोग प्याज भूनेंगे। तो प्याज भूनने के लिए मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो रहा है और मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से कट किया है और इसे हमें एकदम क्रिस्पी भूनना है, जैसे हम लोग बिरयानी के लिए भूनते हैं। तो अभी मैं इसे डालती हूँ, मेरा तेल अभी गर्म हो चुका है। अभी हमारा प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो अभी मैंने एक पॉट में यहाँ पे 15 काजू, 15 बादाम और बचा हुआ दही लिया है और साथ में हमने जो ये प्याज फ्राई किया है इसे मैं आधा इसमें डाल के और इसका पेस्ट बना लूंगी। इसमें आधा ही डालना है हमें। अभी हम लोग का अगला स्टेप है, जिसके लिए हमने इस यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसमें हमने 2-3 चम्मच तेल रखा है। तेल में हमें ये सारे गरम मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून शाही जीरा, 3 इलायची बड़े लिए हैं मैंने, 2 छोटी, 2-3 छोटे छोटे पीस दालचीनी का लिया है, 4-5 लौंग लिया है और 1 छोटा सा जावित्री का लिया है पीस मैंने, और यहाँ पे 1 तेज पत्ता लिया है जिसे मैंने ये तोड़ डाला है यहाँ पे। तो अभी हम लोग ये इन सब चीजों को तेल में डालेंगे। तेल में इसे हम लोग हल्का ब्राउन करेंगे। ये चिकन हमारा मैरिनेट जो हो गया है, अब हम लोग इसको डालेंगे कढ़ाई में। इसे डाल के हमें आराम से ऐसे भूनना है मीडियम फ्लेम पे। चिकन को हमें 5 से 7 मिनट तक भूनना है। तो देखिए फ्रेंड, ये चिकन हमारा भून गया है क्योंकि इसका सारा पानी सूख चुका है। और अभी हम लोगों ने जो ये पेस्ट बनाया था वो डाल के हमें इसे अच्छे से भूनना है, तब तक जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए, मतलब साइड से अगर इसका तेल ना छोड़ने लगे तब तक इसे अच्छे से कभी
कभी ढक के भी भुनना है इसे। अभी हमारा चिकन भुन रहा है, ये अभी और भुनेगा, तब तक हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें पहले डाला था, तो चेक कर ले कितने नमक की ज़रूरत है। तो अभी हमारा चिकन देखिए भुन चुका है और ये एकदम बगल से इसमें तेल निकल रहा है। इसे लास्ट में 1-2 मिनट एकदम लो फ्लेम पे आप भूनिए। और ये भुन गया है, उसके बाद हम लोग इसमें जो हमारा फ्राई अनियन था वो डाल दूंगी मैं, वो डाल के हमें इसमें पानी ऐड करना है। पानी डाल के इसे 10 से 15 मिनट तब तक पकाएं जब तक कि ये चिकन हमारा अच्छे से ना पक जाए। लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम लोग रखेंगे। तो फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये हमारा चिकन बिल्कुल पक चुका है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसमें आप क्रीम भी इसके पकने के बाद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रीम नहीं डालती हूँ तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। ये ऐसे ही देखिए कितना क्रीमी बना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा रमजान स्पेशल चिकन मुगलई रेडी है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे अगले नए हर वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।